बिहार सरकार, बिहार का सारा प्रशासन तंत्र पुलिस पूरा परवर और जो है बौखलाई हुई और तानाशाही रवैया अपनाने काम किया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को टारगेटेड करके निशाना बना करके पानी का फव्वारा पत्थर फेंका गया, लाठी चार्ज किया गया और ऊपर से जो है लगातार सभी अपने ऊपर पांच मंजिला सभी मकान है उसमें पत्थर रखा गया, गालियां पुलिस के द्वारा दी जाती थी और टारगेट किया गया विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को और हमारे 1000 से ऊपर सभी नेता साथी कार्यकर्ता पर लाठी चार्ज हुआ, पत्थरों से घायल किया गया, कई लोग बहुत जोर से घायल हुआ है, घायल हुआ है। यह जो है तानाशाही सरकार है, यह जो है निकम्मी सरकार है, निर्दय सरकार है। ऐसे सरकार को सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। हम महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, शराबबंदी के सवाल पर, काल के सवाल पर, ये सरकार जो है निकम्मी है, इसे सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। ये बौराई हुई सरकार है और हम लोगों ने 74 का आंदोलन भी देखा, आपातकाल भी, पुलिस का इस्तेमाल बड़ा 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 पत्थर का फेंकने में और छत पर से फेंकने में और आंदोलनकारियों को खदेड़ खदेड़ का जो है घोड़ा से मारना, लाठी से मारना, शांतिपूर्ण आंदोलन का जो है एकदम नीतीश कुमार ने एक तरह से सारी मर्यादा की तिलांजलि दे दी है। जो दृश्य उत्पन्न किया है कभी कल्पना नहीं की कि लोकतंत्र में ऐसा होगा और तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार की युवा शांतिपूर्ण ढंग से आज के प्रदर्शन को अंजाम दिया। मैं उसके लिए पुलिस आप लोग को गिरफ्तार करके डराना चाहते हैं, क्या कहेंगे? पुलिस आप लोग को गिरफ्तार करके डराना चाहते हैं? पुलिस गिरफ्तार पुलिस गिरफ्तार करे अपना उसी पर चढ़ावे तो पुलिसिया राज बन ही रहा है जी। सड़क पर पुलिस का दृश्य और विधानसभा में पुलिस को बहुत ताकत, जो लोकतंत्र में कोई बोल ही नहीं सकता, मीडिया को कब्जे में जिस तरह से पुलिस को ये खबर थी, पुलिस ने पूरे बिहार के सभी हमारे युवा अध्यक्ष को छू करके ले लिया था कि कितने लोग जिले से आ रहे हैं।